शक्ति लगी। शक्ति लगने के बाद में हनुमंत लाल जी को कहा कि तुम सुसेन वेद आए, उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी लेकर आओ। लगन हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने गए तो उसी समय पर अयोध्या से जब जो द्रोणागिरि लेके आए तो अयोध्या से ऊपर से निकले। आपको पता हमारे कोई देश में अगर कोई भी अन्य देश का अगर प्लेन भी आ गया तो वो रडार जो रहता है वो तुरंत में बता देता कि अन्य देश का कोई हमारी सीमा में घुस गया। इसी प्रकार भरत जी के हाथ में सत्ता थी, वो देख रहे थे उस समय पर। तो सैनिकों ने कहा कि महाराज कोई हमारे प्रदेश में घुसाया है, पता नहीं बड़ा विकराल स्वरूप है, पर्वत लेकर जा रहा है। तो भरत जी ने विचार किया हो सकता है अयोध्या पे बड़ा संकट आया हो कोई। तो भरत जी ने तुरंत में अपने सैनिकों और वो सावधान हुए और हनुमान जी को तीर मारा, बाण उनके चरणों में लगा तो हनुमान जी नीचे गिर पड़े। जब गिर पड़े तो राम नाम की आवाज आई, भरत लाल जी भी उनके पास में गए, जाकर देखा कि ये तो कोई राम का भक्त है। उनसे पूरा वृतांत सुनाया, उन्होंने कहा आप कहाँ से पधारे। उन्होंने कहा कि मैं लंका से आया हूँ, भगवान राम के छोटे भाई लखन को शक्ति लगी है, शक्ति लगने के कारण से सूर्य उदय होने से पहले मुझे जाना है। तब लगन भरत जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। फिर भी हनुमान जी महाराज को जो भरत जी है अयोध्या ले गए। अयोध्या में उनका बढ़िया भोजन प्रसादी हुई और उर्मिला जी उन्हें केले के फल और दूध पिला रहे हैं। इतने में ही सुमित्रा जी आई और हनुमान जी के कान में बोली कि हनुमान राम जी से कह देना कि खाली हाथ ना आए, सीता जी को लेकर आए, लखन अगर जाए तो चला जाए, एक और भाई है उसे भी मैं रण में भेज दूंगी, उसे भी लड़ने के लिए मैं रण में भेज दूंगी, लेकिन राम से कह देना कि बिना सीता के यहाँ पर अयोध्या ना आए, शत्रुधन को रण में भेज दूंगी। कितना प्रेम, एक पुत्र को शक्ति लगी और वो वहां पर बड़ा है और वो सुमित्रा जी कह रही है कि किसी भी हाल में चाहे लखन जाए तो चला जाए, लेकिन खाली हाथ ना आए, सीता जी को लेकर आए। इतने में माँ कौशल्या जी आई और हनुमान जी के कान में बोली कि हनुमत अगर कुछ भी हो जाए लखन को जीवित तो होकर ही लेकर आए, किसी भी हाल में, नहीं तो राम जी से कह देना 14 वर्ष बाद अयोध्या ना आए। कितना अटूट समर्पण। उधर उर्मिला जी जब हनुमान जी को दूध पिला रही थी तो उनसे पूछा, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कि माँ तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हैं, क्या हो गया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति को संजीव वो शक्ति लगी है, उनकी मृत्यु घात लगी है, पता नहीं कब प्राण चले जाए और सूर्य उदय होने वाला है, मुझे जाने दे, मेरे को समझ में नहीं आया कि आपका हंसने का कारण क्या है। तो उर्मिला ने एक सुंदर जवाब दिया कि जिसकी गोद में लखन लाल जी पड़े हैं ना तो उसकी गोद में काल क्या, अगर महाकाल भी आ जाए ना तो भी नहीं ले जा सकता हूँ। हम सब मिलकर भगवान राम और हनुमान जी की गोद में बैठे, हमारा कभी भी कोई नहीं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए सनातन धर्म और रामायण का आप श्रवण करते रहे, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ आप करते